इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। किसान महापंचायत को लेकर गुरुद्वारे में हुई बैठक। गुरु सिंह सभा करेगी 50,000 किसानों के खाने रहने की व्यवस्था। 3 कृषि बिल के विरोध देश में। चल रहे किसान आंदोलन के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के दौरान में होने वाली किसान महापंचायत में भीड़ जुटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन सहित अन्य किसान संगठन गांव दर गांव पंचायत और बैठक करते नजर आ रहे हैं। किसानों की इस महापंचायत को दूसरे वर्गों का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड के निकट गुरुद्वारे में गुरु सिंह सभा की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरु सिंह सभा के पदाधिकारियों के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। गुरुद्वारे में हुई इस बैठक में गुरु सिंह सभा ने महापंचायत को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें गुरु सिंह सभा ने महापंचायत के दौरान 3 दिन लंगर चलाने का निर्णय लिया। गुरु सिंह सभा के सतनाम सिंह हंसपाल ने बताया कि 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में लाखों किसान पहुंचेंगे, जिसमें दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए हर स्तर पर रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 50,000 किसानों के लिए रहने खाने की व्यवस्था गुरु सिंह सभा करेगी, जिसके लिए वे 3 दिन तक लगातार लंगर चलाएंगे और किसानों के रहने के लिए गुरुद्वारे पंजाबी बरातघर के अलावा उनके स्कूल और कॉलेज रहेंगे, जिनमें किसानों के रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आज जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा 5 तारीख को महापंचायत हो रही है, तो उसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत से, पूरे भारत से जो संगत आएगी, तो गुरु सिंह सभा के प्रधान गुरचरण सिंह बराड़ जी के और सतपाल सिंह मान जी के मार्गदर्शन में यहाँ मीटिंग हुई और उसमें सभी ने ये तय किया कि लगभग 50,000 आदमियों का हम यहाँ खाने की व्यवस्था करेंगे और जो चलता रहेगा 3 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 3, 4, 5, और रुकने की जो व्यवस्था है वो गुरुद्वारा साहब में, पंजाबी बरात घर में और जहाँ भी हमारे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उसमें रुकने की व्यवस्था की गई है और जनपद मुजफ्फरनगर के सभी जगह से संगत यहाँ पहुँची। आज उन्होंने आकर के जैसे प्रकाशजी खादर से, हमारे कुलवंत सिंह प्रधान जी, देविंदर सिंह खालसा जी, रामराज से, हमारे करमवीर जी जोली से, हमारे जसवीर सिंह जोली, करमजीत सिंह जी और चमकौर सिंह जी, मेजर सिंह जी रामराज से पहुँचे। ये सभी लोग आकर के अपने अपने क्षेत्र से ये कुछ लोग जो है लंगर लेके आएंगे और कुछ जो है सूखे लंगर का जो है यहाँ इंतजाम कराएंगे और वाहेगुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में स्टार्ट किया था वो आज भी ऐसे ही चल रहा है और ये पंचायत जो ऐतिहासिक होने जा रही है, सिख समाज और यहाँ पूरे किसानों का, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहुँचेंगे, सभी के खाने की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, यहाँ बराड़ साहब और गुराया साहब की अध्यक्षता में यहाँ जो है उसका निंदा प्रस्ताव पास किया गया और हम उसकी भर्त्सना करते हैं और जिस SDM ने ये ऑर्डर दिया था वहाँ, उस SDM को निलंबित करने की मांग की गई है कि प्रदेश सरकार उसको निलंबित करे, क्योंकि उसी की देखरेख में वो वीडियो भी वायरल हो रहा है सारा जो है। और यहाँ जो है सारी व्यवस्था सारे पूरे मुजफ्फरनगर की ओर से, चाहे देवल से बुरी वाले बाबा जी हो, चाहे रामनाथ से, चाहे प्रकाशी खादर से, सभी की सहयोग से ये जो है यहाँ लंगर की व्यवस्था की जा रही है और इसका जो देख रेख है यहाँ पर चुके गुरु सिंह सभा के प्रधान हैं गुरचरण सिंह बराड़ जी, गुराया साहब और सतपाल सिंह मान जी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओर से, ये सभी लोग जो है यहाँ व्यवस्था में करा देंगे और जो सेवादार आएंगे वो सभी देहात से, जैसे जोली हो गया, आप ठीक है रविंद्र जी यहाँ गुरुद्वारे में जी। नहीं, आज देखिए ये जो संगत का काम है, इतनी बड़ी संगत 5 तारीख में आई है तो यहाँ पे आज गुरुद्वारे में प्रधान जी से विनती की और प्रधान जी पहले से यहाँ पे इसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो आज यहाँ पे जो तय ये हुआ है कि जो भी संगत मुजफ्फरनगर में आएगी, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके रुकने का
पानी पीने का, खाने का पूरी तरह से इंतजाम होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर में लोग आ रहे हैं तो हम उनका शानदार तरीके से स्वागत करें। तो कहाँ पानी के भंडारे होंगे, कहाँ लंगर होंगे, मेडिकल कैंप कहाँ होंगे, कितनी एम्बुलेंस चाहिएंगी और कहाँ कहाँ से लोग सेवा करेंगे, उसकी एक अपनी तैयारी की मीटिंग थी। और यहाँ पे सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि चाहे जो लग जाए, जी जान से पूरी मेहनत के साथ कहीं खाने पीने और लंगर की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अनुमान कितना है मलिक साहब, कितनी भीड़ हो जाएगी? 10 लाख लोग मुजफ्फरनगर में कम से कम आएंगे। पहले मुजफ्फरनगर में 50 साल पहले ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी, भविष्य में भी साथ ऐसी कोई पंचायत ना हो पाए। किन किन राज्यों से आ रहे हैं? देखिए, उत्तर भारत से तो हमारे सब लोग आएंगे, लेकिन दूसरी जगह से हमारे नेता आएंगे प्रतिनिधि के तौर पर। पूरे भारत से एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहाँ का आदमी ना हो, चाहे वहाँ के 5 आदमी हो। जीआईसी मैदान में आपने देखा ही है, पूरा का पूरा ग्राउंड छापा जा रहा है और 2 कॉलेजों में लंगर लगाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा महावीर चौक कार्यालय, छोटूराम इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज, इनमें सब में जो है लंगर की व्यवस्था की जा रही। करीब 500 लंगर हमारे रहेंगे, 500 लंगर रहेंगे गांव से जो लोग खाना बना कर लेकर आएंगे। वो मोबाइल लंगर रहेंगे, जो संगत पीछे रुक जाएगी आने वाले लोग, उनके लिए वहीं बरताने का काम करेंगे। उसकी हमने यहाँ पर निंदा की है और हम 5 तारीख तक चुप हैं। सरकार चाहती है कि 5 तारीख तक इनको उलझा दो, आपस में झगड़े हो जाएं, ये रोड जाम करें, तुम लाठी चार्ज करो। 5 तारीख की पंचायत से हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। नहीं, इनका तो स्वागत हो रहा, अभी तो लोग गाजीपुर बॉर्डर पर थे तो ये समझ रहे थे कि अभी तुम्हें कोई वो नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो घर से निकलना भारी हो जाएगा, अभी तो काले झंडे दिखाए, अभी काला तेल तो है। तो किसानों के हित में काम करते तो फिर आज ये हालत की होती कि घर से बाहर नहीं निकल जा रहे हैं।